तो फ्रेंड्स कैसे हो, आई होप आप सब ठीक हैं। आज एक सुपर अल्टीमेट डायनामिक पीसी बनाया जो ऑलमोस्ट 300K के बजट के अंदर बन जाता है। कस्टमर ने काफ़ी चुन चुन के प्रोडक्ट लिए, काफ़ी अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है और इस पीसी से आप हाई एंड गेमिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो। इसके अलावा एडिटिंग भी कर सकते हो, गेम बना भी सकते हो, मशीन लर्निंग AI जैसा चाहिए वैसा यूज़ कर सकते हो। भाई इसके अंदर कोई आपको और अपग्रेडेशन की मेरे ख्याल से तो ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि 300K के अंदर एक प्रॉपर पीसी बनता है जिसके साथ में हमने मतलब Inno 3D की तरफ से एक गेमिंग चेयर भी सर को फ्री आ रहा है। मतलब इससे क्या बोलते हैं यार, सुपर ऑफर बोल सकते हैं। कोर्सेर का एक चेयर थोड़ा प्रमोशनल ऑफर बोल सकते हो, एक चेयर भी फ्री आ रहा है। मदरबोर्ड हमने यूज़ किया Z690E गेमिंग वाईफाई सीरीज़ का मदरबोर्ड है, जिसके अंदर i9, i7, i5 जैसे प्रोसेसर्स आराम से सपोर्ट कर देते हैं। और ROG सीरीज़ का एक लुक्स जो है ना, मदरबोर्ड का एक यूनिक लुक दिखता है। आप खुद देखिए यार, बिल्ड होने के बाद में पीसी कितना प्रीमियम एंड स्लिक, स्लिम तो नहीं बोल सकते हो, भारी भरकम बोल सकते हो, सुपर लुक्स के साथ में ये मदरबोर्ड दिखता है। क्योंकि जब ROG का ये लोगो है ना, एक लुक्स देता है ना, वो एक अलग तरह से आपको एक फील देता है। जब भी आपका ROG सीरीज का मदरबोर्ड वगैरह लेते हो ना, तो जिसकी ये हीट सिंक क्वालिटी जो रहता है ना, एक अदर कंपोनेंट्स मतलब अदर ब्रांड से काफ़ी अच्छी रहती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरे ब्रांड की अच्छी नहीं है, इस मदरबोर्ड की नेक्स्ट लेवल की रहती है। Z690E गेमिंग सीरीज़ का मदरबोर्ड है, अगेन प्रोसेसर i7-13700K सीरीज़ का प्रोसेसर है, जो एक अल्टीमेट प्रोसेसर बोल सकते हो। प्रीवियस जनरेशन से 20-30% हायर परफॉर्मेंस रहता है। रैम मैंने 16 GB की दो रैमें यूज़ किए, लेंसर XPG की आती है, 5200 MHz की रैम है, काफ़ी अच्छी रैम है, 10 साल वारंटी के साथ में रहती है। स्टोरेज मैंने यूज़ किया 1TB 980 प्रो सीरीज़ का Gen 4 SSD है और 7000 MBPS स्पीड रहती है। उसके अलावा 4TB का मैंने हार्ड ड्राइव भी यूज़ किया है और केस ये यूज़ किया Lianli 216 सीरीज़ का केस है। और ये देख सकते हो यार, डीपकूल का जो LT720 परफॉर्मेंस सीरीज़ का जो AEO है काफ़ी अच्छा है। ये एक नेक्स्ट सीरीज़ का जो AEO है उसके अंदर इन्फिनिटी डिस्प्ले एक नेक्स्ट लुक्स का आता है। सो LT720 सीरीज़ का जो AEO है ना, काफ़ी एक अलग लुक देता है। इस पीसी के लिए मैंने 1050W का कूलर मास्टर का PC Express Gen 5.0 वाला पावर सप्लाई और RTX 4080 iChill का यूज़ किया है। ये पूरा पीसी गेमिंग एडिटिंग सभी यूज़ के लिए आपको प्रॉपरली परफेक्ट रहेगा, क्योंकि Lianli 216 के इसके अंदर दो फ़ैन आते हैं फ्रंट के अंदर 160mm के और बैक एक एग्जॉस्ट फैन रहता है। टॉप में 360mm AEO आराम से फिक्स हो जाता है। ये पीसी मैंने सर के लिए बिल्ड किया है। उसके अलावा इस पीसी के अंदर एक आई गेम का GPU सपोर्ट लिया है और ये ब्लैक विडो का मिनी हाइपर स्पीड का कीबोर्ड भी लिया है। ये सब कुछ मिलाकर आपको 300K तक बिल्ड हो जाता है। चलो आप सर से ही पूछेंगे उनका क्या यूज़ के लिए। हाय सर। या हेलो। हाय सर, आपका नाम सर? मेरा नाम शुभेंदु है। ओके सर। और मैं बैंगलोर में अभी 6-7 महीने में आया हूँ अभी जॉब के सिलसिले में। तो वही, तो मेरा काफ़ी टाइम से मन था, बीच में क्रिप्टो का इतना सीन चला, मेरा टू एंड हाफ ईयर्स आई थिंक डिले हो गया है बनाने में। तो फाइनली अभी नया ग्राफिक्स कार्ड आया, नया प्रोसेसर आया, तो उसके लिए मैं सोचा कि आई शुड गो अहेड एंड बिल्ड इट। सो एंड फाइनली टुडे वो ओके। तो वही है, तो बहुत ही अच्छा लगा, लाइक जो मैं ढूंढ रहा था सब कुछ मिल गया यहाँ पे एक जगह पे। तो मुझे इतना कोटेशन वगैरह का लोचा नहीं चाहिए था, तो वही है, काफ़ी सेटिस्फाइड। और एक बार मैं घर जाके इसको चलाऊँगा तो नेक्स्ट लेवल गेमिंग होगी। ओके, बाकी सब कुछ आपका सामने बिल्ड वगैरह हुआ, सभी कंपोनेंट सील पैक मिले? हाँ, बिल्ड एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, लाइक उन्होंने प्रॉपर टेस्टिंग करके जो भी अपडेट वगैरह चाहिए था मदरबोर्ड का वो सब सेटअप करके दिया। मैंने मतलब मुझे पता भी चला कि लाइक मदरबोर्ड का कैसे क्या डिटेल्स वगैरह मिलते हैं, तो वही है, तो काफ़ी अच्छा था। बिल्ड वगैरह सब कुछ आपके सामने ही हुआ है? हाँ, सब आपको आराम से मेरे लड़के ने पेशेंसली टाइम लेकर सब कुछ प्रॉपरली करके दिया, ये नहीं कि जल्द जल्द में करके दिया, लगा 2-3 घंटा पूरा लगा सेटअप होने में। तो आप कौन सा गेम खेलने वाले हो? मैं काफ़ी खेलता हूँ FPS गेम्स, तो अभी क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर वो आया है, तो वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा उसके लिए, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा FPS का वो चाहिए, तो उसके लिए मॉनिटर भी उसके हिसाब से ही मैंने चूज़ किया है, तो वही है, तो इसके लिए। सो ओवरऑल आप सेटिस्फाइड? या। ओके, आप नए कस्टमर्स को मेरा स्टोर रिकमेंड करना चाहेंगे? हाँ, एकदम रिकमेंड। ओके सर, थैंक यू सो मच। और फाइनली ये है सर, आपको थोड़ा सा लेट हुआ, लेट किया यार, रात का 10 बज गए हैं, सब कुछ आपके सामने बिल्ड किया, लेकिन लेट हमने भी किया और आपने खुद किया 2 साल लेट,
उस रेट के लिए आपको 4080 मिल गया, नहीं तो अगर क्रिप्टो माइनिंग में होता तो इतने रेट के अंदर आपको यार शायद 3080 ग्राफिक कार्ड भी नहीं मिल पाता। और i7 कोई 10th और 11th जनरेशन का, तो अभी आपको पूरा लेटेस्ट हुआ ना, तो मतलब वो काफी अच्छा है, इंतजार का फल मीठा होता है। तो फ्रेंड्स आप ज्यादा इंतजार मत करना, प्राइजेस अभी काफी अच्छे हैं, क्या पता आने वाले दिनों में कुछ कोविड वगैरह का अगर सिचुएशन हो जाए तो प्राइजेस थोड़े इन्फ्लेट हो सकते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा अगर आपका नीड है अभी तो बाई कर लो यार, बहुत अच्छा टाइम है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स अभी काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइजेस में आपको मिल रहा है। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर देना, आगे से आगे ये वीडियो शेयर करना और नेक्स्ट लोगों को भी बताना कि यार हम कैसे काम कर रहे हैं।